Welcome to Anand Autotech and welcome to Kalim Meterwork Karolbagh Delhi or welcome to MS Autotech Rajasthan Jodhpur. आज हम आपके सामने आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पास कुछ डिवाइस पड़ी है तो आपको समझ में आई गया होगा कि मैं किस पे बात करने वाला हूँ. मेरे पास फुल स्टॉक में फुल रेंज में थिंकडेक 2 पड़े हैं और जो भी भाई लेना चाहता है अच्छे और गुड प्राइस में मिलेगा. अब जितने भी नए मेरे भाई है जो हमारे चैनल पे आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और नई नई आपको जानकारी मिलती रहे. अब मैं बात करूंगा थिंकडेक 2 के ऊपर. इसके अंदर तीन टाइप के आते हैं. कितने बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज है हमारे भाई, तो उनको बता देना चाहता हूं कि तीन टाइप के मेरे पास थिंकडेक 2 है. आपको कौन सा चाहिए आपको मुझे बताना पड़ेगा. आप सीधा बोलेंगे थिंकडेक 2 चाहिए मुझे, तो थिंकडेक 2 वैसे आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि इतना पूरा लंबा आपको मैं स्पीच नहीं दे सकता. इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं और उसमें हम जानकारी देते हैं, डिटेल देते हैं और आपको समझाते हैं. अब मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स ये देना चाहता हूं कि तीन थिंकडेक है, तीन टाइप के कौन से है और ये जो डिवाइस है ये क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा. पहले मैं बात करूंगा इसके ऊपर, ये देखो ये थिंकडेक 2 है जहां पे डीजल लिखा है. सब एक ही है लेकिन सबके अंदर अलग अलग काम है, अलग अलग एप्लीकेशन है. ये डीजल वाला है, ये अपना एचडेक एप्लीकेशन में चलने वाला है जो एक साल अपडेट के साथ ही आता है. डीजल वाला है वो 2 साल एप्लीकेशन के साथ आएगा. 2 साल में क्या है, कार ट्रक इलेक्ट्रिकल बाइक ड्राइव जोन प्रो जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है और उसमें हम क्या दे सकते हैं सर्विस सपोर्ट वो भी मैं आपको बता दूंगा. और एक आता है ओरिजिनल, देखो मैंने लिखा हुआ है ओरिजिनल. अगर ये तीनों पे मैंने कुछ लिखा नहीं और तीनों ने को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया और मैंने कोई भी एप्लीकेशन में इसको चला दिया तो हो सकता है इसका फर्मवेयर अपडेट होने से ये डिवाइस डैमेज हो जाए फिर आपका चलेगा नहीं. तो जो भी भाई कोई भी हमारे भाई सेलर से आप परचेस करें ध्यान रखना है जो एप्लीकेशन में चल रहा है वही अपडेट करना है. अगर आप गलत एप्लीकेशन चला देंगे डायरेक्ट जोन वाला एक्सडेक वाला ओरिजिनल पे ओरिजिनल वाला डायरेक्ट जोन पे तो आपका ये डिवाइस डैमेज होने के पूरे पूरे चांसेस है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो जो भाई जो लेना चाहता है वही एप्लीकेशन के साथ परचेस करे. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस भी बताऊंगा. कुछ प्राइस मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ सेलर ने मना किया है. सो हमारा सेलरों का ये एक ग्रुप है उसमें मना किया है मुझे कि भाई आप प्राइस मत बताओ, लेकिन फिर भी जो जितना देना है मुझे वो तो मैं दूंगा ही. जो जिसमें रस्टिकेट नहीं वो प्राइस में बता दूंगा. अब पहले मैं बात करूंगा ओरिजिनल एप्लीकेशन की. तो ओरिजिनल एप्लीकेशन में क्या आता है, थिंकडेक प्लस की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आएगी जो कि आपको डाउनलोड करनी है. उसके अंदर आपको साइन अप करना है, इसके अंदर पूरा बुकलेट वो सब कुछ रहेगा, वैसे भी आप कर सकते हो. और उसके बाद जब भी आप डिवाइस हमसे परचेस करते हो तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड रहता है, तब आप डालेंगे तब से आपका 1 साल अपडेट चालू होगा. इसका प्राइस है मात्र 12,999, 1 साल अपडेट के साथ आएगा. इसके अंदर सर्विस सपोर्ट में क्या है कि भाई इसके अंदर मैं आपको और कोई सर्विस सपोर्ट नहीं दे सकता हूं. ये तीनों की कोई भी हार्डवेयर की गारंटी वारंटी नहीं आती चाहे आप कहीं से भी परचेस करो. ठीक है, ये अगर आप कोई शॉर्टिंग गाड़ी में लगा देते ये जल गया, ये डिवाइस खराब हो गया तो उसका कोई आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा. तो आपको सोच समझ के चलाना है. और अगर ये खाली कार में ही अपडेट करता है और इसका अपडेट का तरीका भी यही है कि कंपनी हर महीने इसको अपडेट करती है और ये सर्वर बेस्ड काम करता है. मतलब कि अगर आप इसमें इंटरनेट चालू रखना पड़ेगा, ये सर्वर पे जाके कुछ स्कैनिंग और प्रोग्रामिंग बहुत कुछ करता है. आप बोलेंगे की प्रोग्रामिंग, भाई की प्रोग्रामिंग करता है लेकिन मुझे नहीं पता है कितना करता है, नाम सपोर्ट करते हैं. अब आप बताएंगे इसमें सर्विस सपोर्ट क्या देंगे. देखो भाई जिस भाई को चलाना आएगा वही परचेस करे, बहुत ईजी है चलाना. इसको लेके आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन जो भाई पूरे जीरो है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमसे आगे लेके दे रहे हैं. मेरे पास 13,000 है, अगर आप हमसे आगे लेके कोई बेच रहा है तो वो अपना सर्विस देगा, आपको टाइम देगा, आपको जो भी आपको समझाएगा फोल्ड फोल्ड के आएगा वो बताएगा, तो उसका वो एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा वो डीलर को. तो ये जो मेरे पास है 12,999 का है, 1 साल अपडेट है. इसके अंदर मेरा एक्टिवेशन आप करवा दूंगा और आपको एक गाड़ी में चल जाएगा, वो आपको बता दूंगा. बाकी काम आपको करना है, इसमें और कोई सर्विस नहीं है. ठीक है, और इसका आईडी पासवर्ड आप जब बनाएंगे ईमेल आईडी आईडी पासवर्ड तो आपको याद रखना है, एक ही बार एक्टिवेशन होगा, फिर आप जितने भी मोबाइल में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हो. वो आपको बस ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया है साइन अप के टाइम वो याद रखना, वही लॉग इन करना है और इसको बाहर से ब्लूटूथ को पेयर करके आपको कोई भी गाड़ी में चलाना है. इसके अंदर इंडियन कार सारी है, इंडियन मारुति
महिंद्रा टाटा सब कुछ बहुत वर्ल्ड की सारी मतलब कार ब्रांड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही सीधी सादी आसान भाषा में समझा दिया और ये 75% तक अच्छा काम करता है सारे ब्रांड सारे सिस्टम के अंदर। अगर ये पूरा काम कर लेता तो इसकी जो कंपनी के जो बड़े बड़े टूल है 1-1 लाख रुपए वाले तो वो नहीं सेल होती। तो इसने कंपनी ने इसको जो भी है लिमिटेड फंक्शन दिए है, लेकिन वो अच्छा है। इतने प्राइस में आप इतना पैसा कमा लेंगे एक साल के अंदर आराम से, और इसका अपडेट भी आप करा सकते हो। और एक साल अपडेट का भी चार्ज कुछ कंपनी ने बताया है मुझे, लेकिन आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। जब आप चालू करेंगे तब आप खुद भी कर सकते हैं, हमें बोलेंगे तो हम भी आपको ऑन द स्पॉट अपडेट करा के दे सकते हैं। अब ये था ओरिजिनल के ऊपर, अब मैं आपको समझाता हूँ एक्स डाइक के ऊपर। एक्स डाइक एप्लीकेशन जो आती है ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन भी चलती है और इसका सर्वर अभी काफी अच्छा है। दो एप्लीकेशन आती है एक्स डाइक और डाइक जोन, लेकिन ये एक्स डाइक एप्लीकेशन में एक साल का अपडेट मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कार मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक मिलेगा और ट्रक के अंदर खाली महिंद्रा टाटा और अशोक लेलैंड और कोई ट्रक नहीं। अगर आपको ट्रक का इसका एक्टिवेशन चाहिए तो अलग से पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है सर्विस सपोर्ट एक साल के अंदर, मतलब कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन गुम गई या कोई इसका आईडी पासवर्ड हम देंगे आपको, वही आपको आईडी पासवर्ड डाल के आपको एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन करा देंगे। वो हमारी सर्विस एक साल तक आप कभी भी भूल गए आईडी पासवर्ड या कभी आपका खो गया या कभी आपका लॉस हो गया या आपका फोन गुम गया आप नए फोन में डालना चाहते हैं, ये कितने भी फोन में चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 89% या 95% तक अच्छा स्कैनिंग करता है, सारे सिस्टम में जाके अच्छा स्कैनिंग करता है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी कोई टाटा का अपडेट नहीं है। अगर टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम करना है तो आपको जेन्युइन ओरिजिनल जो टूल है हमारे नए लॉन्च किए वो आपको लेना पड़ेगा, और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेंगे तो ओरिजिनल काम करने का तरीका आपको समझ में आएगा और वही आपको चलाना है। तो ये था एक्स डाइक के ऊपर, ये 90-95% तक अच्छा काम करता है, एक साल हमारा पूरा सर्विस सपोर्ट। अभी इसके अंदर आपको क्या फूड कोड आएगा क्या नहीं, आपको नॉलेज है तो ये आप परचेस करना, बाकी आपको नॉलेज नहीं है तो फिर जो आगे डीलर हमसे लेके बेच रहे हैं आपको वहां से परचेस करना पड़ेगा और वहां से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एक्स डाइक एक साल के ऊपर, इसके प्राइस है मात्र 19,999 रुपीज, ठीक है, एक साल अपडेट के साथ। तो बहुत ही अच्छा और फास्ट डिवाइस है और ये कैन एफ डी प्रोटोकॉल है, ये भी कैन एफ डी प्रोटोकॉल है, ये भी कैन एफ डी प्रोटोकॉल है और ये भी कैन एफ डी प्रोटोकॉल है। अब आप बोलेंगे कैन एफ डी प्रोटोकॉल क्या है, कैन एफ डी प्रोटोकॉल क्या है, अभी जो नई नई जितनी भी गाड़ी आ रही है उसके अंदर कंपनी ने वो प्रोटोकॉल एड किया है, तो वो जरूरी है वरना गाड़ी वहां पे जाके स्कैन नहीं होगी। वो कंपनी को कम्युनिकेशन जो रहता है प्रोटोकॉल तो वो यूज करती है कंपनी, और आगे बहुत सारी इंडियन गाड़ियों में भी कैन एफ डी प्रोटोकॉल आने लग जाएंगे, तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफर सिलेक्शन भी है। तो ये था एक्स डाइक का, मैंने आपको बता दिया, जिसको चलाना आएगा वही परचेस करे, हमारा सपोर्ट है एक साल सर्विस सपोर्ट, वो वाला सपोर्ट नहीं है फोल्ड कोड आया तो क्या काम करना है। इससे भी चावी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन जब सर्वर चालू रहता है तब, सर्वर बंद रहेगा तो मुझे फोन नहीं करना क्योंकि मेरे हाथ में वो सर्वर नहीं है। जब बंद होगा तो सबका पूरे वर्ल्ड का बंद होगा, किसी का ऐसा नहीं कि मेरे से लिया कहीं दूसरे सेलर से लिया किसी हमारे भाई से लिया तो उसके पास से लिया हुआ चलेगा, नहीं सबका बंद हो जाएगा, कभी कभी होता है। तो ये मैंने पूरा क्लियर कट बता दिया, सोच समझ के आप परचेस कीजिए, लेकिन है बहुत ही अच्छी डिवाइस, मैं खुद सजेशन करता हूँ ये लिए लीजिए, आया हमारे से लिया कोई दूसरे सेलर से। अब आती है थिंकडाइक 2DZ की बारी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 साल अपडेट आएगा, 2 साल कार ट्रक इलेक्ट्रिकल बाइक। अगर आपको ट्रक में चलाना है 24 वोल्ट में तो आपको ये हमारे पास है गोडाइक कंपनी का, वो आपको लेना पड़ेगा, ये 12 और 24 में दोनों में चलेगा। ये सेफ्टी डिवाइस है एक तरह की, अगर आप 12 वोल्ट में भी चलाएंगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कभी कोई शॉर्टिंग गाड़ी हो गई या जला हुआ वायरिंग में आपने लगा दिया गाड़ी के अंदर, कोई प्लस माइनस अलग हो गया, किसी वायरिंग का कोई मसला हो गया और आपने कभी लगा दिया तो ये 12 वोल्ट में भी आपको सेफ साइड में रखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने आगे वीडियो भी बताया है कि इसके अंदर भी यहाँ पे आपको डिजिटल भी दिखाएगा कितने वोल्ट कितने सप्लाई आ रहे हैं, और इसके अंदर जो 24 वोल्ट में काम करेंगे तो यहाँ प्रोटोकॉल की भी लाइट जलेगी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रक में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या सामने से कनेक्शन आ रहे या नहीं आ रहे। तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है, इसकी कीमत है 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये थिंकडाइक 2 है डीजल वाला, उसके अंदर क्या है मैं आपको ये डिटेल दे देता हूँ। इसके अंदर हम 2 साल क्या देंगे सर्विस सपोर्ट, मतलब कि आप कभी भी मुझे बोलेंगे ये भाई इसकी एप्लीकेशन खो गई या एप्लीकेशन कहाँ पे चली गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो मेरा व्हाट्सएप अगर ऑनलाइन है रात को 2 बजे रहेंगे या 4 बजे भी रहेंगे या 5 बजे भी रहेंगे, जब मेरा व्हाट्सएप ऑनलाइन रहेगा मैं आपको ऑन द स्पॉट इसकी एप्लीकेशन इसका आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका काम
ना रुके, ठीक है। तो ये दो साल तक हमारा सपोर्ट है, कभी भी आप हमसे एप्लीकेशन मांगे, कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया कोई आपको डिटेल्स आएगा, आपका नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको चलाना आना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये भी 90-95% तक अच्छा काम करता है। और आप मुझे पूछेंगे BS6 में रीजनरेशन करेगा, तो भाई ये जितने भी डिवाइस है ना, अभी BS6 के अंदर रीजनरेशन के लिए आप ये अगर आप चॉइस करते हो तो इसमें अपडेट का वेट करना पड़ता है। जब कंपनी धीरे धीरे अपडेट डालेगी तब होगा, कुछ गाड़ियों में हो रहा है, कुछ गाड़ियों में नहीं हो रहा है। अब इसकी मेरे पास इतनी फुल डिटेल्स नहीं है, अगर मैं आपको बोल दूंगा हो रहा है तो फिर आप मुझे बोलेंगे यार आप झूठ बोल रहे हो ये, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ 50-50% है भाई। आप रीजनरेशन के लिए अगर ये टूल ले रहे हो तो आप मत परचेस करना, उसके लिए आप ओरिजिनल परचेस करो टूल, और जो सॉफ्टवेयर है वो आप लो जिसमें आपको काम करना है वो आप चलाओ, ताकि वो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे और आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अंदर लोग बहुत सारे मुझे सवाल पूछते हैं कि ये एक साल के बाद दो साल के बाद बंद हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल वाला है अब ध्यान से सुनना भाई, क्लियर वीडियो देखने के बाद ही फोन या मैसेज करो, आधा अधूरा वीडियो देख के मत करो, क्योंकि आप भी कंफ्यूज मैं भी कंफ्यूज। ये जो ओरिजिनल वाला है ये बंद हो जाएगा, एक साल के बाद नहीं चलेगा, क्लियर। इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वर बेस काम करता है, ये सर्वर पे काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है, अगर कोई ऑनलाइन फंक्शन है इसके अंदर, ECU आपको प्लेस करना है या कोई BCM प्लेस करना है, इसके अंदर ABS मॉड्यूल, ये सब जो मॉड्यूल रहते हैं कुछ कुछ उसको प्लेस करना है, वो आपके रिस्क के ऊपर आप कीजिएगा प्लेस, इसको आप फ्लैशिंग में यूज ना करें। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर कोई भी मॉड्यूल आप फ्लैश करेंगे आपके रिस्क के ऊपर कीजिएगा, उसमें एप्लीकेशन में भी लिखा आएगा कि आप अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि अगर कहीं में कहीं आपने फोन का नेट चलाया है और कट हो गया सर्वर से तो आपका गेम ओवर। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां सुला भी दी है, मुझे पता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ, वो जाने दो। लेकिन एक सेफ साइड ये है कि मेरे भाई इससे आप फ्लैशिंग ना करें, इसके लिए आप जो ओरिजिनल OEM जो टूल्स रहते हैं वही ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रहते हैं उससे ही करें। अब ये एक साल के बाद चलेगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं करनी है। जब आपको वार्निंग आती है एक महीना बाकी है, तब आप दो चार डिवाइस में डाल दो। अगर आपने गलती से भी इसकी एप्लीकेशन अपडेट कर दी तो एक फोन में बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरे दो आपने जो भी फोन में डाले उसमें चलेगा। एक साल के बाद आप अपडेट नहीं कराएंगे तो भी चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन एप्लीकेशन अपडेट नहीं करना है। अगर आपका डिलीट हो गया एक साल के बाद तो पुराना आपको नहीं मिलेगा, नए से अपडेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। समझा नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए ना, समझ लीजिए, एक साल के बाद इसको अपडेट नहीं करना है एप्लीकेशन, वरना ये बंद हो जाएगा। अगर आपको वार्निंग आती है कि एक महीना बचा है तो आप दो चार डिवाइस में डाल दो, आप अपडेट कर लो, ताकि एक फोन में अगर खराब हो जाए या अपडेट हो जाए तो दूसरे फोन में आपका चलता रहे, क्लियर, ठीक है। अब इसकी बारी, दो साल में आपको, दो साल में कभी भी इंशाल्लाह कभी भी मुझे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ऑन द स्पॉट आपको एप्लीकेशन ID पासवर्ड सब कुछ मिलेगा। इसका भी सेम है, दो साल खत्म होने से पहले आपको एक मैसेज आएगा, या नहीं भी आए तो आपको ध्यान रखना है एक महीने पहले हम दो चार डिवाइस में डाल दें, ताकि अगर इसकी एप्लीकेशन गलती से अपडेट हो गई तो ये बंद ना हो जाए, वरना आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम ही है कि अगर आपका कोई डिवाइस गुम गया, आपने नहीं किया किसी दूसरे फोन में और आपका डिलीट हो गया, तो पुराना नहीं मिलता है, नया अपडेट लेना पड़ेगा। लेकिन दो साल में एक महीना बाकी रहेगा, तब आप दो चार डिवाइस में डाल दो, ताकि अगर एक डिवाइस में ना चले तो दूसरे डिवाइस में आपका चलता रहे। अगर नहीं अपडेट कराना है तो अपडेट कराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मल्टी चाहिए दो साल के बाद आप अपडेट करा सकते हो। अब यह था 12-24 वोल्ट का एडप्टर, बहुत ही अच्छा और गुड काम करता है। अभी जो दूसरे मिलते हैं लोकल, उसमें खाली लाइट ही जलती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरा यहाँ पे डिजिटल दिखाएगा, और आपको इसमें 12 और 24 में दोनों काम करने के लिए स्विच भी दिया है, और यहाँ पे प्रोटोकॉल का भी आपको दिया है, और यहाँ पे कनेक्शन का भी दिया है, ठीक है। अब ये है केबल, अगर जो भी भाई थिंकडेक परचेस करता है, कोई लेना चाहता है तो अलग से केबल लेनी पड़ेगी, ये मात्र 1500 रुपए की है, ठीक है। 1500 रुपीज के ये ओरिजिनल कंपनी की केबल है, जिससे आप ये इसके साथ चला सकते हो, ये अलग से लेनी पड़ेगी। इसके साथ छोटा केबल आता है, इसमें केबल फ्री नहीं है, आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ये है बैटरी मैट, ये जो चीज है बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि मैं ये HDI और DZ के साथ नहीं, ये ओरिजिनल जो भी भाई हमसे लेगा एक साल अपडेट के साथ, इसके साथ मैं इसको फ्री दूंगा। अगर आप अलग से परचेस करना चाहेंगे तो ये किंग बोलेन कंपनी का है, बैटरी टेस्टर है, मतलब कि दिखाएगा चेकिंग द चार्जिंग लेवल, दिखाएगा फंक्शन टेस्ट ऑफ द डायनेमो, मतलब कि ऑल्टरनेटर का फंक्शन दिखाएगा, चार्ज हो रहा है नहीं, चेकिंग बैटरी
स्टार्टिंग कैपेबिलिटी और बैटरी ओवरलोड डिस्प्ले, ये इतना ये काम करना दिखाएगा। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये का है, अगर इसके साथ लेंगे तो 13,200 में पूरा ये कुरियर के साथ आपको ये मिलेगा ओरिजिनल में, इसके साथ फ्री नहीं है। तो ये था मेरा थिंकडाइक ओरिजिनल, थिंकडाइक 2 एक्सडाइक और थिंकडाइक 2 डीजेड के ऊपर वीडियो। और कुछ भी सवाल है तो आप मुझे बताएगा, मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूंगा। और याद रखे, जब भी भाई ये बॉक्स मिलता है ना, ये खोलने में आप बॉक्स फाड़ देते फिर बोलेंगे भाई दूसरा बॉक्स मिलेगा, तो भाई मेरे पास कंपनी नहीं है, ये बॉक्स कंपनी देती नहीं है दूसरा। तो जैसे भी आपको ये मिलेगा, ये आप सीधा यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो फट जाता है। इसको क्या करो, आप ऐसी ब्लेड लो, धीरे से ऐसे उचकाओ और इसको ऐसे ऐसे थोड़ा ओपन करो ताकि ये फटे ना। याद रहे, इसके अंदर जो भी भाई लेगा, इसके अंदर एक ऐसा पाउच आएगा, तीनों में, ओरिजिनल में, एक्सटाइक में, डायरेक्ट जोन में, बिना पाउच का हम किसी को नहीं देते। तो ये पाउच आएगा और इसके अंदर इस तरह से एक डिवाइस आएगी, एक केबल आएगा और इसका ये आईडी और पासवर्ड एक्टिवेशन रहेगा। ओरिजिनल में ही आएगा, ये जो कागज है, ये इस दोनों में कागज नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, जिस भाई ने लिया फिर वो मांगना नहीं ये वीडियो देख के, बोले ये कागज तो नहीं है, ये कागज कोई काम के नहीं है एक्सडाइक और डीजेड में। बाकी जो ओरिजिनल लेगा तो जो भी इंग्लिश पढ़ा लिखा है उसमें बताया है कैसे करना है, पूरा सिस्टम कैसे चलाना है, कैसे इसको इंस्टॉलेशन है, एक्टिवेशन है, पूरा दिया गया है इसके अंदर। जो भी भाई लेगा सोच समझ के लीजिएगा, पूरा क्लियर वीडियो बता दिया हूँ भाई, फिर आप मेरा भी दिमाग खराब करेंगे, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा क्लियर वीडियो बनाया हूँ, लंबी वीडियो बनी है, आराम से देखना, ठीक है, काट काट के मत देखना, वरना कुछ चली जाएगी बातें तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगी, मुझे भी। जो भाई भी लेगा, आप थिंकडाइक 2 का प्राइस क्या है वो मुझे फोन या मैसेज करेंगे तो मैं आपको विनती करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, नीचे पूरा डिटेल्स है, पूरी कैटलॉग भी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, वहां पे प्राइस भी लिखी हुई है, आप ले सकते हैं वहां से सीधा आप मुझे मैसेज करके। लेकिन याद रखे, जो भी भाई अभी मुझे थिंकडाइक 2 के बारे में मैसेज करेगा मुझे बताना है ओरिजिनल वाला चाहिए, एक्सडाइक वाला चाहिए, डायरेक्शन वाला चाहिए, तो मैं आपको इसका प्राइस बता पाऊंगा। इसका दोनों का दे दिया, इसका अगर प्राइस आपको पता करना है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। और एक बात ये भी बता देता हूँ, अगर आपने किसी से ये महंगा लिया है, मेरे पास रेट पूछा तो कुछ मैंने बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, मैंने इसका 50,000 बोला और कहीं आपने लिया 60,000 में, तो भाई जिसने भी दिया है ना वो आपको सपोर्ट लेके दिया होगा, आपको बताएगा फोल्ड कोड क्या है, ये क्या, वो क्या, जो भी इट्स जो भी है इसके अंदर वो आपको बताएगा। तो उसने उसका मेहनत का पैसा लिया, तो झगड़ा नहीं करना, ये गलत चीज है। अभी आजकल मार्केट में यही हो रहा है, मेरे से रेट पूछते हैं सस्ते में, फिर वो जाके दूसरे से ले लिया होता है, फिर उसको गालियां देते हैं, उसके साथ रिलेशन खराब करते हैं, ये गंदा काम नहीं करना। किसी ने आपको कॉलर पकड़ के नहीं दिया, बोल के दिया, और मैं भी आपको सीधा सीधा ही समझा रहा हूँ, सीधा सीधा ही बोल रहा हूँ, जिसको चलाना आएगा बेस्ट है, कोई ट्रेनिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाई जीरो है ये लाइन के अंदर, उसको ट्रेनिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उसको फिर वो बंदे से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया है, माफी चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत सारे नए नए वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।